इस वर्ष कांग्रेस विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में लड़ेगी। इसके लिए कांग्रेस हाईकमान पहले ही कह चुका है। मुख्यमंत्री का प्रदेश व देश की राजनीति में लंबा अनुभव है। वो एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी हैं। आने वाले चुनावों में कांग्रेस पार्टी को उनके अनुभव का लाभ मिलेगा और पार्टी जीत कर फिर से सरकार बनाएगी। ये बात नूरपुर के विधायक अजय महाजन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मोदी लहर समाप्त हो चुकी है और लोकसभा के चुनावों जैसी लहर नहीं है। उन्होंने कहा कि विधानसभा के चुनावों को लेकर बीजेपी के लोग अधिक कॉन्फिडेंट हैं और जिस कारण वह जीत का दावा कर रहे हैं। बीजेपी के लोग हर दिन मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते रहते हैं, जिससे मुख्यमंत्री को हानि नहीं हो रही है बल्कि लाभ मिल रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री का प्रदेश व देश की राजनीति में लंबा अनुभव है और बीजेपी के आरोपों के कारण उन्हें प्रदेश के लोगों से सहानुभूति मिल रही है, जिसका लाभ मुख्यमंत्री को जरूर चुनावों में मिलेगा। जो हाईकमांड ने भी कहा है कि नेतृत्व तो माननीय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी का ही उन्होंने बोला, बाकी तो ये जो चीजें हैं ये बड़ी अपर लेवल की हैं। हम तो कार्यकर्ता हैं, छोटे से सिपाही हैं पार्टी के। जहां हमें हुक्म होगा खड़े होने का हम वहां खड़े रहेंगे। और जो मेहनत सब कर रहे हैं, रल मिल के मेहनत करके कांग्रेस की सरकार पुनः बनेगी। ये क्योंकि अल्टीमेटली ये जो दूसरी तरफ जो बीजेपी की के हमारे साथी हैं, इनको बहुत ओवर कॉन्फिडेंस हो गया हुआ है कि हमारी सरकार बनी गई है। अल्टीमेटली ये लोगों के ऊपर तय होता है, तो जब तक आप काउंटिंग हॉल से बाहर नहीं निकलते, आजकल कहना बड़ा मुश्किल है। ये जो लहर थी पहले एमपी के टाइम की, जब माननीय मुख्यमंत्री माननीय मोदी जी बने थे प्राइम मिनिस्टर, तब एक जुनून सा था बीजेपी के लिए। पर अब क्योंकि उन्होंने कोई भी वायदा पूरा नहीं किया, किसी भी ढंग का वायदा पूरा नहीं किया, और उनकी कथनी और करनी सामने आ गई है, और लोग बहुत डिसिल्यूजन हैं, और इस इलेक्शन में वो बात पुराना जादू नहीं चलने वाला उनका। सीएम साहब के कोई ऐसा बयान दे देते हैं सुखबीर जी के खिलाफ, फिर से चीजें तितर बितर हो जाती है, तो ऐसे में पार्टी किस तरह से चुनावों में पार कर। ऐसे है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, ये भी बहुत सीजन्ड मतलब पोलिटिकल पर्सनैलिटी है। 25 साल की उम्र में उन्होंने अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था। छठी बार यहाँ मुख्यमंत्री बने हैं और सेंट्रल में वजीर रहे हैं, और तकरीबन 4 बार स्टेट के प्रेसिडेंट रहे हैं। बहुत अनुभवी हैं और उनका अनुभव का पार्टी को बहुत लाभ मिलेगा। और दूसरी तरफ जो सुखू जी हैं, वो भी अपना उन्होंने जो शुरुआत की, एनएसयूआई के प्रेसिडेंट मिश्रा रहे, एनएसयूआई के प्रेसिडेंट रहे, यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, और स्टेट के प्रेसिडेंट है, उनका भी अनुभव है। और ये जो पार्टी का एंड में जो भी हाईकमांड का दिशा निर्देश होगा, सब चलेंगे साथ में। पर माननीय मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी का एक विशेष स्थान है हिमाचल की राजनीति में, और डेफिनेटली उसका लाभ पार्टी को मिलेगा। एक सवाल के जवाब में अजय महाजन ने कहा कि परिवहन मंत्री जीएसवाली ने नूरपुर में जो खरगोश का उदाहरण दिया था, वो मेरे लिए नहीं था बल्कि नूरपुर के लोगों, वोटरों व कार्यकर्ताओं को लेकर दिया था। उन्होंने कहा था कि कार्यकर्ता और वोटर एक निर्णय ले लें कि किस को जाना है, एक स्वस्थ छवि वाले पार्टी की तरफ जाना है या फरेब धोखेबाज और ढोंगी पार्टी की तरफ जाना है। उनका यह बयान इस संदर्भ में था। मैं एक बात बस कहना चाहता हूँ, तो महाजन साहब कई बार मुझे सुनाते थे कि चारों साल जा रहे थे, एक बार वो जरूर सुनाते थे कि चारों साल जा रहे थे गाड़ी में, और पीछे उनके साथ उनके साथी बैठे थे, तो खरगोश मर गया बीच में। तो उन्होंने पूछे खरगोश क्यों मर गया, तो किसी ने कहा जी लाइट पड़ गए, किसी ने कहा जी उसकी मौत आई थी। चारों साहब ने कहा नहीं, जो फैसला नहीं कर सका कि मैं सड़क के इधर जाऊँ या इधर जाऊँ, कृपा करके अपना फैसला ढंग से कर ले। अजय को भी कह रहा हूँ कि अपना फैसला करके चलो। मैं सबको सलाह देता हूँ कि अपना फैसला ठीक ढंग से किया हो, हमारी दिशा और दशा एक होना चाहिए। मुझे नहीं पता उन्होंने किस संदर्भ में कहा, पर वो वहाँ के नूरपुर के कार्य जो वोटर्स को कह रहे थे कि आप अपना माइंड क्लियर कर लो कि कांग्रेस की तरफ चलो, कि वो उनको उनके तरफ था, वो डायरेक्शन मेरी तरफ नहीं था। और मतलब वो घुमा फिरा गया, वो तो कोई मेरी तरफ ले, उनको उन्होंने बिल्कुल बाकी जो नूरपुर के जो वोटर्स की तरफ कहा था कि आप अपना माइंड क्लियर कर लो कि एक स्वच्छ साफ सुथरी राजनीति के साथ चलना है या एक फरेब
और ढोंगी और झूठे वादों की राजनीति के साथ चल रहे हैं, तो इस संदर्भ में उन्होंने कहा था। गौरतलब है कि परिवहन मंत्री जीएस वाली ने नूरपुर में बस अड्डे के उद्घाटन के दौरान विधायक अजय महाजन को नसीहत देते हुए कहा था कि विधायक तय कर लें कि किस ओर जाना है। उन्होंने कहा कि अगर विधायक ऐसा नहीं कर पाए तो उनकी हालत उस खरगोश जैसी होगी जो ये तय नहीं कर पाया कि सड़क के इस पार जाऊं या उस पार और बीच में मारा गया।